नमस्कार बिहार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके क्या क्या बताया गया है कि जो सेवेंथ फेज की वैकेंसी है नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम आपका कब होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा आपके हर अलग अलग पोस्ट के लिए, जो बच्चे डिटेल सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए या पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, इन सब के बारे में आज जो है चेयरमैन साहब ने आप लोगों को जो बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आज बात हुई। और जो एक सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को निगेटिव मार्किंग को लेकर, और जो लैंग्वेज का जो पेपर है उसका 30% बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है 30%, उन सभी पर क्लैरिफाई कर दिया गया है आयोग के द्वारा और जल्द ही आपके नोटिफिकेशन भी निकाल दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अपने तैयारी में जुड़ जाइए। टीम परीक्षा प्लस बीपीएससी टीचर के लिए जो एक बैच है पूरा पर्टिकुलरली वो निःशुल्क लेकर आ रही है, फ्री बैच लेकर आ रही है। आज से ही उसकी क्लासेस 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पर चलाई जाएंगी, और साथ ही साथ परीक्षा प्लस आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर भी आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी बिना किसी फीस के, ठीक है। तो अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुई है बात उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बताया डिटेल सिलेबस, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, निगेटिव मार्किंग, एग्जाम डेट, इन सभी पर मैं एक वीडियो दिखा दे रहा हूं कि जो आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपके देखिए आपका उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है पूरी वीडियो में। आपको टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए परीक्षा प्लस का, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाएंगे। बिहार के लिए स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उस ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पूरी क्लास की डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो में दिया गया है, वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा, डिटेल में आप देख लीजिएगा। अभी मैं बात करता हूं कि सबसे पहली बात कि टोटल वैकेंसी इन्होंने जो बताया है कि इन्हें जो प्राप्त हुआ है टोटल वैकेंसी वो क्या प्राप्त हुआ है कि पीआरटी के लिए 79,943 वैकेंसी ये निकालेंगे, और 6 से 8 के लिए 32,916 और हायर सेकेंडरी के लिए 57,602, टोटल 1,70,461 पदों पर जो है नोटिफिकेशन आपका निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। और भी कई चीजें बात इन्होंने कहा है कि बच्चा एक बच्चा चाहे तो तीनों फॉर्म भर सकता है, एक साथ तीनों पे अप्लाई कर सकता है, उसके एग्जाम एक साथ नहीं लड़ेंगे इन्होंने ये भी कहा है। तो ये सब बातें उन्होंने क्लियर किया है, जो भी एक समस्या हो सकती है बच्चों की उस सभी समस्याओं का समाधान किया गया है इनके द्वारा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, बात करते हैं बच्चों कि जो आपके क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा एक टास्क है कि कौन पीआरटी भर सकता है, कौन 6 से 8 वाला भर सकता है और कौन 9 से 12 वाले में अप्लाई कर सकता है। तो जो लोग पीआरटी के लिए है, पीआरटी के लिए बोला है कि आपके पास 10+2 है, ठीक है। अगर आप 10+2 पास हो, इंटरमीडिएट पास हो, साथ साथ आपका सीटेट या बिहार टेट क्वालिफाई है और आप डीएलएड की हो या बीएड की हो, दोनों प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डीएलएड और बीएड आपके दोनों प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, वो दोनों लोग भर सकते हैं ये पीआरटी की वैकेंसी। 6 से 8 में उन्होंने क्या कहा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट मतलब बिहार टेट होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए। यहां पर उन्होंने सीटेट शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। अब बाकी जो डिटेल है कि सीटेट इसमें लेगा कि नहीं, नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा, यहां तो उन्होंने सीटेट का बकायदे शब्द यूज किया है, जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आप लोग खुद देख लीजिएगा। यहां पर उन्होंने एस्टेट बोला है, मतलब वही बिहार टेट, तो यह बिहार टेट और बीएड होगा ग्रेजुएशन के साथ। हायर सेकेंडरी के लिए जो 9 से 12 तक का है, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ आपको एस्टेट उसके बाद से बीएड चाहिए, यहां पर भी उन्होंने कहीं भी सीटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये चीजें आपको नोटिफिकेशन पे क्लियर हो जाएंगी, तो अभी डाउटफुल मत रहिएगा। मतलब इतना जानिए बिहार टेट तो है ही है, मेरे अकॉर्डिंग सीटेड भी होना चाहिए जब सब में है, तो बाकी नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो लैंग्वेज आपका सिलेबस दे दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, आप सब लोग को मैंने डिटेल में बता दिया था सिलेबस में क्या है कि आपका 2 पेपर है। पेपर 1 जो है आपका वो लैंग्वेज का है, और लैंग्वेज में आपका क्या है 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में 25 क्वेश्चन जो है आपका यहां पर क्या किया गया है, इंग्लिश का है।
इंग्लिश अब सबके लिए अनिवार्य किया गया कि इसको करना ही करना है, ठीक है। अब सेकेंड में आपके 75 क्वेश्चन लैंग्वेज है, जिसमें आप हिंदी होगा, बंगला होगा, उर्दू होगा, ठीक है, ये आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, 75 क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। ये जो आपका 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन का मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, मेरिट आपका सिर्फ जो पेपर सेकेंड होगा, जीएस वाला जो होगा, उसके बेसिस पर तय होगा, ठीक है। अब इसमें जो बोला गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30%, ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं इसमें भी 30% लाना है इंडिविजुअल और इसमें भी 30% लाना है, ऐसा नहीं है। इन्होंने पूरी तरह क्लैरिफाई किया गया है यहां पर जो है कि नहीं, आपको पूरा मिला के 100 का 30% लाना है, मतलब आपको 30 मार्क्स पूरे 100 में से लाना है तो आप ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाओगे, बस इसके आगे इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है आपको। रही बात जो दूसरा पेपर होगा आपका जीएस का, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने स्पष्ट तो पूरी तरह नहीं कहा है, इन्होंने कहा नोटिफिकेशन में क्लियर होगा, लेकिन इन्होंने एक बात कही है, अगर आपके पेपर में जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और जानते हो बिहार बीपीएससी आपके 5 ऑप्शन देती है, तो मैक्सिमम यही चांस है 5 ऑप्शन देती है, तो अगर उसने 5 ऑप्शन दिया तो उसका एक फॉर्मूला है 1/4 निगेटिव होगा, अगर 4 ऑप्शन आया तो 1/3 निगेटिव होगा, ठीक है, इन्होंने यही कहा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम डेट इन्होंने क्या बोला है, कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं दिसंबर तक होगा, ये आप लोग हटा दें, आप अभी से आज से ही तैयारी में लग जाइए। तो यहां पर आपका जो एग्जाम है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगस्त में हम कंडक्ट करा लेंगे, अगस्त से सितंबर में, क्योंकि लंबा थोड़ा चलेगा एग्जाम आपका। और इन्होंने ये भी बोला है, एक डिटेल सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा यहां पर देखो, हाँ सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं, डिटेल सिलेबस में क्या कहा है इन्होंने, जो डिटेल सिलेबस है ना, सिलेबस के बारे में क्या कहा गया है आयोग के द्वारा, इन्होंने कहा कि हम डिटेल में सिलेबस आपको नहीं प्रोवाइड कराएंगे, साफ साफ बोल दिया गया है, मुश्किल है डिटेल में सिलेबस। इन्होंने कहा कि आपका जो बिहार बोर्ड की किताब है ना, एक तरह से बोल सकते हो, बिहार बोर्ड की किताब जो होती है, बिहार बोर्ड के किताब में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, आप चाहे वो प्राइमरी का उठा लो, पीआरटी वाला लेवल उठा लो, या 6 से 8 उठा लो, या 9 से 12 उठा लो, जितना भी बिहार बोर्ड के बुक में जो आपका चलाया जाता है, किताब चलाई जाती है एकेडमिक में, उसमें जो चैप्टर हैं, जो जो टॉपिक हैं, वह टॉपिक ही आपका डिटेल सिलेबस है। और प्रश्नों पे बात किया गया है कि यहां पर क्या पीआरटी में जो चैप्टर है, क्या उसी लेवल के प्रश्न आएंगे क्या, तो उन्होंने साफ साफ बोला, भाई आप अध्यापक बनने जा रहे हो तो हम तो ये नहीं कहेंगे ना कि आपका लेवल तो बच्चे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ऐसे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। आप जब देखेंगे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा है कि आप टीचर हो, बच्चों को प्राइमरी को भला ही पढ़ाने जा रहे हो, लेकिन टॉपिक तो चैप्टर तो आपका वही रहेगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और इस बात पर भी कि कुछ बच्चे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा, सर बच्चे पूछ रहे हैं आप एसडीएम बनाएंगे क्या, क्योंकि बीपीएससी का टैग लग गया है, तो उनके मन में है कहीं ना कहीं बिहार पीसीएस की तरह क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो उन्होंने बोला हम एसडीएम नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम आपका लो लेवल होगा, जैसा एक टीचर को होना चाहिए जो लेवल, वही लेवल रखा जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहेगा, एक मॉडरेट आपका लेवल लेकर चला जाएगा। तो आप डिटेल चैप्टर के लिए आप बिहार बोर्ड के सभी चैप्टर आप पीआरटी के लिए देख सकते हो, प्राइमरी वाला जो 1 से 5 तक का है आपका उसे देख सकते हो, 6 से 8 तक जो किताबें चलती हैं उसमें आप देख लो कौन कौन से चैप्टर हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हुआ आपका, चाहे जीएस में जो सोशल साइंस चलता है ना आपका, उसमें देख लो क्या क्या चीजें चलती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका डिटेल सिलेबस क्या है
अब वो हो सकता है कि वो डिटेल सिलेबस आपको खोलकर नहीं दे कि आपको क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो टीम परीक्षा प्लस आपको पूरा बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, उन सभी के निचोड़ से कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उन सभी फैक्ट को इकट्ठा करके आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच दे रही है। आप परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकली हैं। नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो उन्होंने सीधे सीधे बोला है नोटिफिकेशन विद इन टू डेज। कब? टू डेज के अंदर आ जाएगा, दो दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही कम समय है आपके पास, तैयारी में आज से ही लग जाएं आप सभी। जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं को समाधान किया जाए, क्योंकि यहां पे जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी समस्या थी वो भी दूर कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग वाली भी आपकी समस्या दूर कर दी गई है। क्वालिफाइंग वाला जो लैंग्वेज को लेकर था वो भी दूर कर दिया गया। यहां तक कि जो बच्चे इंग्लिश को लेकर परेशान है कि सर इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश के सिलेबस में हम विलियम आपको वो क्या बोला जाता है कि हम आपको एक तरह से ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ के बारे में बताइए, ये सब नई चीजें हैं। उन्होंने बोला है एकदम सिंपल सा जो है इंग्लिश का रहेगा, जो जनरल इंग्लिश होती है वैसे ही आपका पेपर इंग्लिश का भी रहेगा। तो ये समझ लीजिए इंग्लिश के लिए बहुत पैनिक नहीं होना है। उनका कहना है कि जो भी बंदा भाई टीचर बन रहा है तो थोड़ा सा तो इंग्लिश आना ही चाहिए, इसी वजह से इंग्लिश कंपलसरी रखी गई है। तो इसको ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको इंग्लिश का क्या बात है, इसको आपको करना ही करना, छोड़ नहीं सकते हो आप, यह भी ध्यान रखना कंपलसरी है इसमें क्वेश्चंस करना। और ओवरऑल बोला जाए सबके लिए है, और ओवरऑल आपको 30% इसमें लेके आना है, कहीं भी इंडिविजुअल नहीं लेके आना है। ये आप अपने मन से, दिमाग से भ्रम जो है हटा दीजिए, ओवरऑल आपको 30% लेकर आना है, ठीक है। ये सब डाउट आपके जितने भी थे आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको इससे डिटेल में देखना है तो इस वीडियो को, जो वीडियो है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, ये टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। आप इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या उन्होंने बोला है, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम जो है पैटर्न होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके नोटिफिकेशन में भी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको कोई भी समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। हमें और भी कोई इंफॉर्मेशन बिहार टीचर वैकेंसी से मिलती है तो हम जरूर आपके समक्ष आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।